पहला एग्जाम्पल, थोड़ा सा जूम कर दिया है, थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, नहीं ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर स्कोप रूल्स में पहला एग्जाम्पल, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया है, ये लोकल है, ये ऑटो वेरिएबल है, इंट से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये लोक ऑटो वेरिएबल है। यहाँ प्रिंट लोकल एक्स इन आउटर स्कोप ऑफ मेन इज परसेंटेज डी, यहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी वैल्यू है 5 वो प्रिंट हो जाएगी। फिर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से इंट एक्स लिखा है, जो पहले इंट एक्स लिखा था उसी तरह से फिर से इंट एक्स लिखा है, और यहाँ वैल्यू उसको 7 दी है। फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 7 प्रिंट होगी, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ऑफ, और उसके बाद में फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा और एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब ये दो जगह एक्स को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह ही एक्स है, वो लोकल वेरिएबल है और इसका स्कोप ऑटो है, ऑटो वेरिएबल है ये, तो इसका स्कोप है वो लोकल है, मतलब इससे पहले जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए हैं वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, और कर्ली ब्रेसेस का एंड होते ही ये एंड हो गया। जैसे ये अंदर वाला एक्स इक्वल टू 7 वाला, इससे पहले ये कर्ली ब्रेसेस है, तो यहाँ के बाद में ये वेरिएबल स्टार्ट हुआ है, और जो आगे वाला कर्ली ब्रेसेस आएगा इसका एंड हो जाएगा। मतलब अंदर वाले प्रिंट टाइप स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू 7 प्रिंट होगी, लेकिन बाहर वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके, ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाले एक्स को नहीं जानता, लेकिन ऊपर वाला जो एक्स है उसको ये जानता है, इसलिए बाहर वाले की जगह वैल्यू 5 प्रिंट होगी। हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, तो GCC-O एग्जाम्पल एग्जाम्पल 18.c कंपाइल सक्सेसफुली हो गया रन। तो हम देखते हैं पहले एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है, फिर 7 कर रहा है, फिर 5 कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल एक्स इक्वल टू 5 लिया है, बाद में उसको प्रिंट किया है, एक यूज लोकल फंक्शन को कॉल किया है, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट किया है। यूज लोकल फंक्शन में क्या है, तो उसमें एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा मेन फंक्शन में, उसके बाद में यूज लोकल फंक्शन को कॉल हुआ तो उसके अंदर जाएगा, एक्स की वैल्यू 25 है, यहाँ एक्स ऑटो वेरिएबल है, मतलब ये वैल्यू लोकल है, और उस वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू 25 प्रिंट करेगा, फिर एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पर 26 प्रिंट करेगा। फिर मेन फंक्शन में जाएगा, मेन फिर से यूज लोकल को कॉल कर रहा है, यूज लोकल में फिर से एक्स को डिक्लेयर करेगा, वैल्यू 25 असाइन करेगा, उसको प्रिंट करेगा, उस वैल्यू को एक्स की वैल्यू का मैं 1 इंक्रीज करेगा, वो 26 हो जाएगी, उसको फिर से प्रिंट कर देगा। फिर मेन फंक्शन में जाएगा, जहाँ फिर से प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है, जहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ लोकल वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली, यस, रन में लोकल एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट की, फिर यूज लोकल को कॉल किया, जहाँ 25 एंड 26 प्रिंट कर दिया, फिर यूज लोकल को कॉल किया, फिर 25 26 प्रिंट कर दिया, और फिर मेन में एक्स की वैल्यू 5 को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें प्रोटोटाइप फंक्शन यूज स्टेटिक लिया है, एक्स मेन फंक्शन में एक्स इक्वल टू 5 लिया, एक्स को प्रिंट किया, फिर यूज स्टेटिक को 2 बार कॉल किया, पिछली बार यूज लोकल को कॉल किया था, पर यूज स्टेटिक को, फिर एक्स को प्रिंट कर दिया। मतलब यहाँ और कोई डिफरेंस नहीं है, यूज स्टेटिक फंक्शन के अंदर डिफरेंस है, और उसमें भी डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, यहाँ इंट एक्स इक्वल टू लिखने की बजाय स्टेटिक इंट एक्स लिखा है, मतलब ये एक्स जो यहाँ पर है ये ऑटो नहीं है, ये स्टेटिक इंट है, स्टेटिक है, और उसको वैल्यू हमने दी है 50, तो एक्स को इनिशियल वैल्यू 50 मिली है, ये 50 को प्रिंट करेगा, उसके बाद में एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा, 51 प्रिंट करेगा, 50 एंड 51 प्रिंट किया है। उसके बाद फिर से यूज स्टेटिक को कॉल हुआ, तो क्योंकि ये स्टेटिक इंट था इसलिए ये पुरानी वैल्यू को रिटेन रखेगा, पुरानी वैल्यू 51 हो चुकी थी एक्स की, इसलिए ये 50 है इसको रीड नहीं करेगा, ये 51 को रिटेन रखेगा और इस बार 51 प्रिंट करेगा, फिर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा और 52 प्रिंट करेगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं,
सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन एग्जैक्टली। लोकल एक्स 5, स्टैटिक एक्स 50, स्टैटिक एक्स 51, फिर सेकंड कॉल में स्टैटिक एक्स 51, स्टैटिक एक्स 52 एंड देन लोकल एक्स 5। नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ एक चीज़ें हैं। एक ग्लोबल यूज ग्लोबल नाम से एक फंक्शन लिया है, एक मेन फंक्शन से भी पहले एक्स की वैल्यू 1 दे दी है, और फिर मेन फंक्शन में उसी तरह से यूज लोकल यूज स्टैटिक को कॉल कर रहे थे, वैसे यूज ग्लोबल को 2 बार कॉल किया। यूज ग्लोबल में एक्स को डिक्लेयर नहीं किया, सीधा एक्स को प्रिंट किया है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल एक्स था या एक्सटर्न टाइप वेरिएबल जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू ये प्रिंट करेगा जो कि 1 है। तो 1 प्रिंट करेगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, देन यहाँ 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद में जब सेकंड कॉल यूज लोकल को होती है, उस समय एक्स की वैल्यू 10 है, 10 प्रिंट करेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 करेगा, फिर 100 प्रिंट कर देगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करने पर एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट की, ग्लोबल एक्स 1 है, 10 है, देन 10 एंड 100 है, एंड देन लोकल में एक्स की वैल्यू 5 है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें इन सब को एक साथ कर दिया है। तो यहाँ पर यूज लोकल, यूज स्टैटिक, यूज ग्लोबल 3 प्रोटोटाइप फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन किए हैं। उसके बाद ग्लोबल एक्स इक्वल टू 1 कर दिया, एक्स की वैल्यू 5 मेन फंक्शन में, लोकल एक्स इक्वल टू 5 उसको प्रिंट कर दिया, फिर उसके अंदर एक इनर स्कोप बनाया, उसमें फिर से एक्स को डिक्लेयर किया, वैल्यू 7 दी, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद में एक्स की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर दिया मेन फंक्शन में। उसके बाद सभी फंक्शंस को कॉल किया, पहले यूज लोकल को, फिर यूज स्टैटिक को, फिर यूज ग्लोबल को, उसके बाद फिर यूज लोकल, यूज स्टैटिक एंड यूज ग्लोबल फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद फंक्शन एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद यूज लोकल जिसमें एक्स इक्वल टू 25 जो प्रिंट कर दिया, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी, एक्स बाद में एक्स की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर दिया। यूज स्टैटिक में स्टैटिक एक्स इक्वल टू 50 उसको प्रिंट किया, वैल्यू इंक्रीज की, फिर से प्रिंट किया। फिर ग्लोबल, ग्लोबल में एक्स को डिक्लेयर नहीं किया, सीधा प्रिंट किया। उसके बाद में एक्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया, वापस प्रिंट कर दिया। तो अब इसका आउटपुट कैसे रहेगा? तो इसका आउटपुट यहाँ मेन फंक्शन में सबसे पहले एक्स इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा आउटर स्कोप मेन का, उसके बाद में इनर स्कोप 7 प्रिंट करेगा, फिर आउटर स्कोप फिर से 5 प्रिंट करेगा, फिर यूज लोकल को कॉल हुआ है, यूज लोकल में एक्स की वैल्यू 25 है तो 25 प्रिंट करेगा, और उसके बाद में एक इंक्रीज करके 26 प्रिंट करेगा। उसके बाद में फिर से यूज स्टैटिक को कॉल किया है, तो यूज स्टैटिक में एक्स की वैल्यू 50 है, 50 प्रिंट करेगा, उसके बाद में एक इंक्रीज करेगा और 51 प्रिंट करेगा। उसके बाद में यूज ग्लोबल को कॉल हुआ है, तो यूज ग्लोबल में एक्स की वैल्यू जो ग्लोबल वैल्यू है 1 वो प्रिंट करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद में फिर से यूज लोकल को कॉल हुआ है, तो यूज लोकल में फिर से एक्स की वैल्यू 25 प्रिंट करेगा एंड एक इंक्रीज करके 26 प्रिंट करेगा। फिर यूज स्टैटिक को कॉल हुआ है, यूज स्टैटिक में एक्स की वैल्यू 51 पहले ही हो चुकी थी, स्टैटिक है इसलिए इसको रिटेन रखेगा, इसका मतलब अब 50 नहीं रखेगा, पुरानी वाली वैल्यू रखेगा और वो है 51, तो 51 प्रिंट करेगा, इंक्रीज करके 52 प्रिंट करेगा। और फिर यूज ग्लोबल को कॉल हुआ है, यूज ग्लोबल को कॉल हुआ है तो वैल्यू अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुरानी 10 है, वो 10 प्रिंट करेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा और 100 प्रिंट करेगा। उसके बाद में मैन फंक्शन में फिर से लिखा है प्रिंट लोकल एक्स इन मैन, तो उसकी वैल्यू 5 है जो 5 प्रिंट कर देगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यस रन हो गया। तो इसमें देखें, पहले लोकल एक्स 5, इनर स्कोप 7, लोकल एक्स 5, बाद में यूज लोकल एक्स की वैल्यू 25, 26, फिर स्टैटिक एक्स 50, 51, फिर ग्लोबल एक्स 1 एंड 10, फिर लोकल एक्स 25, 26, स्टैटिक 51, 52 एंड ग्लोबल 10 एंड 100, और लास्ट में इन मैन फंक्शन इट इज़ 5 प्रिंट कर दिया।